हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ट्रिक्स एजुटेक एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्लेलिस्ट में जिसका नाम है एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड वी आर गोइंग टू डू द एनएलपी विद द एनएलटी के लाइब्रेरी। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सीरीज में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनएलपी, मतलब एनएलपी क्या है। उसके बाद Why we need NLP, हमें NLP क्यों चाहिए, और उसके बाद देखेंगे हम उसके applications और उसके use cases की, how to do the natural language processing। ओके, सो हम शुरू कर दें। सबसे पहले होता है कि NLP, आप लोगों ने हर बार देखा होगा कि आप जब भी कभी data science या data analysis search करते थे तब आपको आता है NLP हर बार आता है। तो क्या है ये NLP? तो बेसिकली द NLP इज़ ए शॉर्ट फॉर्म और उसका फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है नेचुरल लैंग्वेजेस मतलब ह्यूमन लैंग्वेजेस, तो उन नेचुरल लैंग्वेजेस का जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है उसे कहते हैं हम शॉर्ट में हम NLP। तो आइए देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन है दैट इज NLP इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज और लैंग्वेजेस एज इट इज स्पोकन और रिटन। जिसका मतलब होता है NLP मतलब क्या होता है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम की एबिलिटी होती है, या फिर हम कंप्यूटर को ये सिखाते हैं जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम इसके लिए लिखते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। या तो फिर जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो या एक तो स्पोकन मतलब आप बोल रहे हो, या फिर रिटन या मतलब लिखी हुई हो, राइट। रिटन मतलब ये स्पोकन मीन्स हम उसे बोलेंगे साउंड, और रिटन मीन्स हम उसे बोलेंगे टेक्स्ट। जो मतलब NLP क्या होता है, तो ये NLP मतलब आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना होता है या ऐसा एल्गोरिदम लिखना होता है जिससे कंप्यूटर इंसान की भाषा समझ सके, जो लिखी हुई हो या बोली हुई। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, हम इंसानों की लैंग्वेज होती है वर्ड्स टेक्स्ट, और कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है नंबर्स, दैट इज बाइनरी नंबर्स, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बेसिकली दे आर नंबर्स 0 and 1। सो द एनएलपी, व्हाट डज द एनएलपी, एनएलपी कन्वर्ट्स द टेक्स्ट और साउंड इनटू जीरोस एंड वंस। ओके, तो ये था कि NLP का फुल फॉर्म और बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद होता है कि व्हाई वी नीड द NLP, क्यों NLP हमें NLP की जरूरत है, या फिर NLP क्यों इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो गाइज, अभी के जो बिजनेसेस है सब बिजनेसेस ऑनलाइन चलते हैं और उनके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा उन्होंने गैदर किया हुआ है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। उसके साथ साथ वो मोस्ट ऑफ द डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो जो हमारे कन्वेंशनल एल्गोरिदम्स है जैसे रिग्रेशन या फिर एक्सजीबूस्ट, क्लस्टरिंग वगैरह वगैरह, ये सब एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे कैलकुलेट करते हैं। अगर उसमें टेक्स्ट डेटा है तो हमने देखा है कि वी कन्वर्ट दैट टेक्स्ट इनटू नंबर बाय यूजिंग द लेबल एनकोडर्स और वन हॉट एनकोडर्स, उससे हम उसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स है वो क्या करते हैं, सिर्फ नंबर पे काम करते हैं, लेकिन हमें करना है टेक्स्ट का प्रोसेसिंग। आपने सुना होगा टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट माइनिंग, टेक्स्ट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, तो ये सारे काम करता है NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके साथ साथ हमें उसके बाद आता है वो सो एप्लीकेशंस ऑफ NLP कि NLP कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक यूज़ NLP का होता है, सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि टू फाइंड आउट द प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब क्या है, होता है कि आपका जो कंटेंट है वो किसी ने कॉपी पेस्ट करके फिर से यूज़ किया और उसका कंटेंट नाम के शो किया, तो कॉपीराइट्स ढूंढने के लिए या प्लेगरिज्म ढूंढने के लिए उसे यूज़ करते थे। तो बेसिकली द NLP इज नियरली 50 years old, मतलब NLP हम आज सुन रहे हैं, लेकिन जब NLP की शुरुआत हुई थी वो NLP की शुरुआत तकरीबन 50 साल पुरानी हुई थी। मतलब NLP नया नहीं है, सिर्फ हमारे लिए वो थोड़ा सा नया है, लेकिन NLP एग्जिस्ट करता है 50 साल से भी ज़्यादा टाइम से।
और वो बेसिकली यूज होता था लिंग्विस्टिक एप्लीकेशंस में, मतलब जहाँ पे हम भाषा बोलते हैं उस वहाँ पे NLP यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस का फील्ड बढ़ा और उसी के साथ साथ जब से AI मतलब मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई, तब से NLP का यूज़ काफ़ी तौर पर बढ़ा है। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे NLP का यूज़ बढ़ा उसी के साथ साथ अब NLP के एप्लीकेशंस भी बढ़े हैं, राइट? तो द एप्लीकेशंस आर अगेन ग्रोइंग डे बाय डे, राइट? सो वी विल सी द एप्लीकेशंस। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज, जो बेसिक एप्लीकेशन इज द सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का सेंटिमेंट क्या है, मतलब उस टेक्स्ट का जो जो यूज़र कहना चाहता है या जिन्होंने टेक्स्ट लिया है उनकी फीलिंग्स हम बोल सकते हैं या फिर उन्हें क्या कहना है वो हम NLP से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो गाइज, अब की दुनिया में देर आर लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब ये सोशल मीडिया का ही टाइम है, सोशल मीडिया का ही युग है। सो देर इज़ ट्विटर, देर इज़ फेसबुक, अगेन इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं। और इन साइट्स पे जो डेटा अपलोड होता है वो डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, मतलब वो डेटा होता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो डेटा होता है इमेज की फॉर्मेट में, वीडियोस की फॉर्मेट में, ऑडियोज की फॉर्मेट में। तो वीडियो ऑडियो के लिए हमारे पास अलग सी लाइब्रेरीज है जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं, तो उस वहाँ से हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो टेक्स्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं NLP, जो जो ट्वीट्स होते हैं, राइट? सो उस ट्वीट से उस यूज़र की सेंटिमेंट क्या है वो फाइंड आउट करते हैं हम बाय यूजिंग NLP। उसी के साथ साथ जो फेसबुक पोस्ट्स होती है उनके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फेसबुक पोस्ट क्या है, मतलब वो फेसबुक पोस्ट पॉजिटिव है, निगेटिव है, या फिर जो आप हम वर्ड सुनने सुनते आ रहे हैं अब आजकल के कुछ दिनों की हेट स्पीच है, राइट? वो किसी का हेट कर रहे हैं या फिर किसी का चीज़ का या किसी एक समुदाय का या फिर किसी एक एंटिटी का वो क्या बोलते हैं हम हेट स्पीच उन्होंने लिखा है, तो वो हम उससे फाइंड आउट करते हैं। उसी के साथ साथ न्यूज़ का एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, टेक्स्ट जो न्यूज़ का होता है उसका। उसी के साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है, तो उन प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आप लोग या हम लोग उसे कंपनीज को सबमिट करते हैं, तो बाय यूजिंग NLP वी कैन एनालिसिस दैट रिव्यूज आल्सो, राइट? सो उससे भी हमें सेंटिमेंट पता चलता है कि यूज़र अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है या फिर न्यूट्रल है, राइट? उसी के साथ साथ जो मार्केट्स होती है, मार्केट्स मतलब शेयर मार्केट का एनालिसिस भी आप बाय यूजिंग सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, किस तरह से शेयर मार्केट वर्क कर रहा है वगैरह वगैरह। उसी के साथ साथ एक और जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन है मशीन ट्रांसलेशन, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, आप जो भी उसे इनपुट देंगे उसको आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में कन्वर्ट करके देता है। मतलब गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, बैकएंड पे गूगल ट्रांसलेटर NLP ही यूज़ करता है। उसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है या एप्लीकेशन है, उसे कहते हैं हम चैटबॉट्स, या उसी को दूसरा नाम है वर्चुअल असिस्टेंट्स। कभी भी आप किसी साइट पे विजिट करते हो तब एक छोटा सा विंडो साइट में खुलता है कि कैन आई हेल्प यू, या फिर आई एम समथिंग, जस्ट लाइक द एग्जाम्पल इज अलेक्सा और सीरी, राइट? सो दीज एल्गोरिदम्स ऑल्सो यूज द NLP मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एट बैक एंड, एंड दे डू द व्हाट वी से, राइट? सो द एप्लीकेशन दैट मशीन ट्रांसलेशन या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस में हम जो यहाँ पे लिखा है ना ये वाला रिटर्न फॉर्मेट या टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं एलेक्सा या सिरी की, तो वहाँ पे जो ह्यूमन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का स्पोकन फॉर्मेट यूज़ होता है, राइट? सो उसी के साथ साथ NLP क्या यूज़ करता है, NLP यूज़ करता है यूज होता है टैग डिटेक्शन के लिए। अब एक टैग डिटेक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, तो बेसिकली टैग डिटेक्शन यूज़ होता है जब आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हो, तब मतलब जब आप गूगल सर्च में करते हो या फिर यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो, फेसबुक पे किसी प्रोफाइल को सर्च करते हो, किसी पेज को सर्च करते हो, तब बैकएंड में चलता है NLP का टैग डिटेक्शन एल्गोरिदम या फिर टैगिंग एल्गोरिदम। ओके, सो गाइज ये था NLP का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
इस प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं एनएलपी विद द हेल्प ऑफ एनएलटीके। सो आई विल राइट डाउन हियर दैट इज व्हाट इज एनएलटीके। सो इट इज एनएलटीके मींस इसका फुल फॉर्म है नेचुरल, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल, एल स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, T stands for tool and K stands for toolkit, right? So this NLTK is a tool which is used for the processing of natural languages. That's why it is NLTK और उसे हम short कहते हैं NLTK जिसका full form है natural language toolkit. Now natural NLTK क्या है? So it is a platform used for building Python programs that work with human language. राइट मतलब एनएलटीके क्या करता है, तो बेसिकली ए पाइथन को यूज करता है एज अ बैकएंड या एज अ वर्किंग एनवायरनमेंट, और वो उसके बाद जो ह्यूमन लैंग्वेज डेटा है उस पर स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस अप्लाई करता है। सो ये है एनएलटी का वर्किंग, राइट। सो आगे इसके आगे हम देखेंगे हाउ टू यूज एनएलटीके और कैसे हमें उसे इंस्टॉल करना है, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंस्टॉलिंग या इंस्टॉलेशन ऑफ एनएलटीके। सो फॉर एनएलटीके यू कैन आल्सो गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर द एनएलटीके, राइट। सो एनएलटीके, सो इट टुक द एनएलटीके कॉर्पस, तो हमें चाहिए सिर्फ एनएलटीके। सो ये है नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट, उनका nltk.org का पेज। सो यहाँ से भी आप nltk इंस्टॉल कर सकते हो, उनका डेटा इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आप, तो उससे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप यहाँ से बाय थ्रू दिस इंडेक्स आप उसके फंक्शंस भी देख सकते हो कि nltk क्या क्या कर सकता है, राइट। सो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने वाले, हम यहाँ से ही देखने वाले हैं कि हाउ टू इंस्टॉल nltk। सो nltk सबसे पहली रिक्वायरमेंट एनएलटीके की है कि यू शुड हैव पाइथन। एनएलटीके की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर आपके मशीन में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। जब पाइथन इंस्टॉल होगा तभी एनएलटीके काम करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो मैंने अपना कमांड प्रॉम्प्ट पहले से खोल के रखा है। सो आई विल राइट हियर जो हमारे नेचुरल कमांड है, जो वो हमने बहुत से बार की है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा pip install nltk, और जैसे मैं करूंगा एंटर, इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग दी nltk लाइब्रेरी। फर्स्ट इट विल डाउनलोड एंड देन इट विल इंस्टॉल। अभी जो मेरा लैपटॉप है उसमें ऑलरेडी nltk इंस्टॉल्ड है, तो शायद वो बोल देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, या फिर वो फिर से शुरू करेगा अगर आपके पास एनएलटीके नहीं है, राइट। सो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, राइट। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो वो पहले क्या करेगा, पहले डाउनलोड करेगा और उसके बाद उस एनएलटीके को इंस्टॉल करेगा। और जैसे ही इंस्टॉल होता है आप इसे बंद कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट को, और आपका जो Jupyter notebook, so we are using the Jupyter notebook for the this playlist. So Jupyter notebook में आप directly लिख सकते हो import nltk और run, shift enter दबा के आप उसे, you can run the cell, this is called as cell and by using shift enter you can run the cell, okay. So it will take some time to import all the libraries of and all the packages of NLTK. So as per your say speed of your RAM and processor, the time may vary. So now it is imported, right? So the import NLTK command is complete. The next step, हमें next step क्या करना होता है, तो हमें लिखना होता है NLTK dot download, nltk dot download और parenthesis. अब आप लोग बोलेंगे कि अब भी तो हमने डाउनलोड किया है, फिर हमें nltk dot download क्यों करना है, तो ये समझ में आएगा। अब देखो जा गाइस, हमने क्या देखा है कि nlp या nltk क्या है,
कि एक नेचुरल लैंग्वेज टूल किट है। सो हमें उसे बताना पड़ता है पहले कि हमें किस तरह की लाइब्रेरी चाहिए या हमें किन कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करनी है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके जो बैकएंड्स होते हैं वो फिर से अलग से डाउनलोड करने होते हैं, राइट। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे और ये कमांड आपको सिर्फ पहली बार ही चलानी है। पहली बार मतलब जब आप फर्स्ट टाइम NLTK के यूज़ कर रहे हो तभी आपको ये NLTK के डॉट डाउनलोड कमांड चलानी है। उसके बाद जब एक बार वो सारे आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए तब आपको उसे चलाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आई विल रन दिस सेल, जैसे आप रन करोगे सो आई हैव मेड द मिस्टेक दैट इज़ द स्पेलिंग, सो डाउनलोड DOWNLOAD। सो जब हम रन करेंगे तब क्या होगा, जैसे आप रन करोगे तब वो प्रोसेस शुरू कर देगा उसे सर्च करने की इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे सर्च करने के बाद वो आपको एक एक्सटर्नल और एक विंडो खोल के देगा। एक तो एक विंडो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट खुलेगी या फिर आपके टूल बार में यहाँ पे आ जाएगी, आपको उसे ओपन करना है। सो इट इज़ स्टिल प्रोसेसिंग नाउ। हाँ अभी देखो यहाँ पे आ गया शोइंग इन्फो HTTPS, ये GitHub का पाथ आ गया। उसके साथ साथ यहाँ पे एक विंडो खुलती है, तो ये विंडो है तो उसमें ऑप्शन है आपको कलेक्शंस, कॉर्पोराज, मॉडल्स, ऑल पैकेजेस, मतलब जो NLTK के अंदर पैकेजेस है, NLTK के अंदर इतने सारे पैकेजेस है, अलग अलग पैकेजेस है, उसी के साथ साथ अलग अलग मॉड्यूल्स है और कॉर्पोराज है। तो हम देखेंगे वन बाय वन की कॉर्पोरा क्या होता है या फिर ये पैकेजेस क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जाएंगे कलेक्शन पे। अब यहाँ पे आप ऑल कॉर्पोरा कर सकते हैं, उसी के साथ साथ ऑल NLTK भी कर सकते हैं, या फिर एक बेस्ट ऑप्शन होता है आप ऑल पे क्लिक करो और यहाँ पे डाउनलोड करो। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो वो हर लाइब्रेरी या हर पैकेज को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब देखो ये मेरा ग्रीन कलर में आ रहा है ताकि मेरे सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है और अप टू डेट है, दैट्स वाई इट इज़ शोइंग मी इन ग्रीन कलर। If your libraries are not installed, then it will show in some pink or brown color. And if your libraries are not up to date, then it will show you in red color, right? तो ये उसका सर्वर होता है जहाँ से वो डाउनलोड करता है, जो उसने यहाँ पे भी हमें पाथ दिया है और वो यहाँ पे देता है कि कहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, राइट। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इस प्रोग्रेस बार में आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी, और जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होता है तब आपको सिर्फ क्या करना है, तो इस यहाँ पे जो क्लोज बटन है उस क्लोज बटन को क्लोज करना है। और जैसे मैं क्लोज करूँगा यहाँ पे देखो मुझे लिख के आ गया ट्रू, मतलब मेरा पूरा डाउनलोड हो गया है, पूरा इंस्टॉलेशन एकदम प्रॉपर तरीके से ठीक तरीके से हो चुका है, राइट। सो नेक्स्ट टर्म, उसके बाद जब हम करते हैं NLTK डॉट डाउनलोड, उसके बाद शुरू होता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। सो दिस फर्स्ट वीडियो में इतना ही गाइज, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या है NLTK या और क्या है NLP एंड व्हाई वी नीड इट एंड हाउ टू, एंड वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियोज हाउ टू डू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।